वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते टीवी और यूट्यूब पे आने वाली फिल्म कृष्णन ऑफ कृष्णमूर्ति का, जो कि हिंदी डब वर्जन है 2017 में आई तेलुगु फिल्म सतमानन भवती का। वैसे इस फिल्म का जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है आज यानी कि 2 सितंबर को सोनीमैक्स चैनल पे होने वाला है, और उसके बाद ये फिल्म आपको आदित्य मूवीज के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। पर क्योंकि मुझे इस फिल्म का जो रिव्यू है वो टेलीविजन प्रीमियर से पहले करना था, इस वजह से मैंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को यूट्यूब पर ही देखा, जो कि आदित्य मूवीज के यूट्यूब चैनल पे पहले से अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आप चाहते हो कि आपको इसी तरह से साउथ और हिंदी फिल्मों के रिव्यूज मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सन ऑफ कृष्णमूर्ति, ये हिंदी डब वर्जन है 2017 में आई तेलुगु फैमिली ड्रामा फिल्म सतमानन भवती का, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे सर्वानंद, अनुपमा परमेश्वरम, प्रकाश राज और जया सुधा। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म की स्टोरी लाइन काफी सिंपल सी और थोड़ी सी रूटीन है कि जया सुधा और प्रकाश राज गांव में रहते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो काफी सालों पहले विदेश जा चुके थे अपने जॉब करने के लिए, और वहीं पर वो अपने फैमिली के साथ सेटल है। अब संक्रांति का त्यौहार आने वाला है और जया सुधा चाहती है कि उनके सभी बच्चे उनसे संक्रांति पर मिलने आए और सब मिलके त्यौहार को बनाएं। और पर क्योंकि प्रकाश राज जानते हैं कि उनके बच्चों को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, इस वजह से वो अपने बच्चों को बुलाने से इनकार कर देते हैं, और जिसको लेकर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, जिसके बाद प्रकाश राज ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने वाइफ को अब डिवोर्स देने वाले हैं। अब वो अपने सभी बच्चों को इस बात को लेकर मेल करते हैं, जिसको जानने के बाद उनके बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उनको मजबूरन उनके माता पिता के पास वापस आना पड़ता है। अब वहां पर आने के बाद किस तरह का माहौल बनता है और किस तरह से फिल्म के अंत में उन सभी बच्चों को उन सबकी गलतियों का एहसास दिलाया जाता है, यही आपको इस फिल्म में दिखाया जाएगा। दोस्तों, तो की बात फिल्म की स्टोरी लाइन की, अब वही बात कर लेते हैं फिल्म के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स की। तो फिल्म की जो असली जान है, फिल्म और फिल्म की जो असली सबसे बड़ा मेन प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये फिल्म अपने जोनर को पूरी अच्छी तरीके से और ईमानदारी के साथ जस्टिफाई करती है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, और मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है, जहां पर आप एक फैमिली ड्रामा फिल्म से जो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म में हर एक सीन को बहुत ही इमोशंस के साथ बनाया गया है, कहूंगा कि हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है, जहां पर कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि इमोशंस की कमी है। फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है, जहां पर मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में कोई भी फैमिली ड्रामा फिल्म बनेगी तो वहां पे कुछ नयापन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना भी नयापन था वो हम पहले ही काफी सारी तेलुगु फिल्मों में देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी हमें वही चीजें देखने को मिलती है जो हमने पहले कुछ फिल्मों में देख चुके हैं, जैसे कि मिस्टर परफेक्ट और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। एक रामचरण तेजा की एक फिल्म आई थी, वो फिल्म वहां पर ऐसी हमने काफी सारी फिल्में देख चुके हैं, और उन फिल्मों के रेफरेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। खास करके यहाँ पर आपको अनुपमा और सर्वानंद की जो जोड़ी है उसे देखकर आपको समानता और नितिन की की याद जरूर आएगी। इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है और जो रोल है वो कुछ कुछ उनसे मिलता जुलता है, और यहाँ पर कहना चाहूंगा इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, जो भी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी नजर भी आती है। बात करें इस फिल्म के दूसरे प्लस पॉइंट की, तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ही अच्छी है, जहां पर गांव के हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया, और दिखाया गया कि गांव कितना अच्छा और कितना सुंदर होता है। यहाँ पर इस फिल्म में संक्रांति के त्यौहार को दिखाया गया है, पर मेरे हिसाब से अगर वहां पर त्यौहार पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया होता और दिखाया गया होता कि किस तरह से तेलुगु कल्चर में किस तरह से संक्रांति के त्यौहार को मनाया जाता है, तो यहाँ पे हिंदी ऑडियंस के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था। बात करें इस फिल्म के अगले प्लस पॉइंट की, तो इस फिल्म में मैं कहूंगा कि जिस तरह से एक फैमिली में हर कोई मिलजुल के रहता है और हर एक शख्स इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म में भी हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दी हुई है, और कहूंगा कि हर एक कैरेक्टर को जितना भी स्क्रीन प्ले मिला है, कहूंगा कि जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ है, उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी कैरेक्टर छूट जाता है फिल्म में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस फिल्म का जो एक और सबसे बड़ा मेन प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म में प्रकाश राज और उनकी वाइफ का रोल प्ले करने वाली जया सुधा। इन दोनों को मैंने इससे पहले भी और हम सब ने बहुत ही सारी ऐसी फिल्मों में देख चुके हैं, फैमिली ड्रामा फिल्मों में, और कहूंगा कि कहीं ना कहीं उनका जो पहले का एक्सपीरियंस है और उन्होंने जिस तरह से पहले इतने रोल्स को किया हुआ है, उन्होंने इस फिल्म में इस रोल को इतनी आसानी से प्ले किया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हमने उन्हें पहले भी काफी बार ऐसे रोल में देख चुके हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ वो उस रोल को असली में जी रहे हैं। इतने सारे प्लस पॉइंट्स के होने के बाद भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं
अब लगता है इस फिल्म को देखने के बाद कि ये फिल्म, मैंने कहा कि जैसे कि काफी सारी पहले तेलुगु फिल्मों के रेफरेंस में आती है, तो आपको इस फिल्म में कोई नयापन देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। इस फिल्म में इमोशंस भर भर के दिए गए हैं, और जिसकी वजह से ये फिल्म आपको एंटरटेन भी करेगी और इमोशनल भी करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक फैमिली ड्रामा फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आप किसी भी हालत में मिस मत करिएगा। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ नया देखने को मिलेगा, तो वो आपको इस फिल्म में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो एक लाइन में कहा जाए तो सन ऑफ कृष्णमूर्ति एक बहुत ही अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसको आप एक टाइम अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। ये फिल्म आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.9 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का हमारे वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।